नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बिजली आधुनिक युग की सबसे बड़ी जरूरत है। बिजली को आधुनिक युग का सबसे बड़ा आविष्कार कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा। आधुनिक कल कारखाने हो या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सभी कुछ तो बिजली पर ही निर्भर है। घरों में भी अगर बिजली नहीं तो दिनचर्या ही बिगड़ जाती है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने की बात कही और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली देने का वादा किया तो लगा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन क्या सचमुच बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन आ गए हैं? इसका जायजा ले रहा है एपीएल। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन क्या बिजली आपूर्ति के मामले में भी सरकार ने मेरठ को महत्व दिया है? सरकार ने बिजली देने के जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं? ये जानने के लिए हम मेरठ पहुंचे। मेरठ के गांव से लेकर शहर तक एपीएन की टीम गई। यहां हमें जो दिखा वो आज हम आपको भी दिखाते हैं। देखिए, मेरठ जिले में बिजली को लेकर सरकार के वादों का रियलिटी टेस्ट करने के लिए एपीएन की टीम गांव से लेकर शहर तक कई इलाकों का दौरा किया, लेकिन हर जगह हमें सरकार की वादा खिलाफी ही नजर आई। एपीएन की टीम सबसे पहले मेरठ के मामेपुर गांव पहुंची। यहां खेतों में हमें कुछ किसान नजर आए। मामेपुर गाँव में किसानों को कितनी बिजली मिल रही है और खेती कैसी चल रही है, ये जानने के लिए हम यहाँ रुके। बिजली का रियलिटी टेस्ट करने यहाँ गाँव में पहुंचे हैं। ये मामेपुर गांव में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। यहाँ कुछ किसान मेरे साथ हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप ये बताएं कि बिजली आपके गांव में कितनी आती है या नहीं आती? 14 भी रह जाती है, कुछ पता चलता है कि काट दी, पूरी पूरी रात भी हो जाए, बारिश नहीं आती, काट जाती है जो पीछे से। के मुकाबले अब कैसी लाइट आ रही है, कितने घंटा? अब तो लगभग ऐसी आ रही होगी 13-14 घंटे बस, उसमें आप भी काट देते हैं 4-5 घंटे। पढ़ाई हो पाती है? पढ़ाई तो मुश्किल हो पाती है क्योंकि 1-1.5 घंटे लाइट रहती है, फिर भगा देते हैं, फिर आते हैं, फिर भगा देते हैं। मामेपुर गांव में बिजली सरकार के वादे के मुताबिक नहीं मिल रही है। 10 से 12 घंटे बिजली मिल जाए तो गनीमत है। ऐसे में यहां एक और गृहिणियों को घर के कामों में दिक्कत होती है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से होती है। यहां कुछ गांव की महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहना है? आप ये बताओ आपका नाम, आपके गांव में कितनी लाइट आती है, आती है नहीं आती? भैया ऐसी आती होगी कोई 4-5 घंटे बस। अच्छा। हाँ, और जी उसमें हमारे बच्चे पढ़ने का टाइम जब होगा ना, जब ही भगा देंगे। अच्छा। और वो लाइट फिर रात को देंगे, 3 बजे दे रहे तो बताओ किस काम की है वो। सुबह शाम जा रहा है, चाहे बीच में गैप पड़ जाए, पर सुबह शाम तो बढ़िया देनी चाहिए, जो हमें बहुत बड़ी परेशानी है। कम आ रही है भाई? कितनी? बहुत कम आ रही है, जैसे आनी चाहिए ऐसे नहीं आ रही। कितने घंटे की लाइन? 12-13 घंटे लाइट आ रही है बस। आपको गांव में लाइट अच्छी मिलती है पढ़ने के लिए? नहीं मिलती। कितने घंटे लाइट मिलती है आपको? लाइट मुश्किल से 5-6 घंटे भी नहीं आ रही, 16 घंटे लाइट नहीं है गांव में। सरकार ने तो वादा करा था कि लाइट दे रहे, किस किस चीज के करते, पूरा तो नहीं करते सरकार वादों को। कितने घंटे लाइट आ रही है आपको? मुश्किल से आ रही होगी ज्यादा 10 घंटे बस, इससे ज्यादा तो नहीं आ रही। ऐसा नहीं है, खाना बनाने के टाइम पे लाइट नहीं है, सोने के टाइम पे लाइट नहीं है। दिन भर कमाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, जब भी हमें आराम नहीं मिलता सोने का भी जरा सा। शाम ढल रही थी और हमने मामेपुर से अमहेड़ा गांव का रुख किया। अमहेड़ा गांव पहुंचने तक सूरज डूब चुका था। बिजली के बिना अमहेड़ा गांव भी अंधेरे में डूबा हुआ था। हमने देखा कुछ लोग रात के अंधेरे में हाथों में पंखा लिए बैठे थे। इस वजह से बैठे, बिजली की समस्या है और यहाँ जो बिजली विभाग वालों ने ये 11,000 की लाइन दे रखी, इसका पता नहीं कब क्या खतरा किस पे मंडरा जाए। कई बार यहाँ दुर्घटना होगी, बिजली विभाग वालों से कहा भाई इस पर जो है एबीसी केबिल लगवा दिया जाए, तो एबीसी केबिल से जो है कुछ गांव वालों को फायदा होगा और दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। ज्यादा ज्यादा 12-14 घंटे लाइट दे रही, कटिंग ज्यादा है, जो उसकी टिपिंग ज्यादा ले रहे हैं, बीच बीच में टिपिंग ज्यादा करते हैं, इतना यहाँ 18 घंटे या 20 घंटे लाइन नहीं है। सुना आपने, भले ही सरकार गाँव में 16 से 18 घंटे बिजली देने की बात कर रही हो, लेकिन यहाँ कुछ ही घंटे लाइट आती है। मुख्यमंत्री योगी की सरकार में भी इन्हें पहले की तरह बिजली का इंतजार करना पड़ता है। एक तो जबरदस्त मच्छर, ऊपर से बिजली गुल, बिना पंखे सोना मुहाल है।
ऐसे में घर से बाहर बैठकर बिजली के इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं। इसी गांव में थोड़ी दूर पर हमें कुछ और लोग सड़क पर बिजली के इंतजार में बेसब्री से टहलते दिखे। पूरे दिन नौकरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उसके बाद भी रात में जब सोने का वक्त आता है तो देखिए किस तरह लाइट के इंतजार में ये लोग सड़कों पर समय काट रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उनका दर्द कुछ इस कदर फूट पड़ा। इस वक्त अमेढ़ा गांव के अंदर आप पहुंचे हैं, यहाँ सड़कों पे लोग हमें घूमते हुए दिखाई दिए। इन्हीं से जानते हैं कि वजह क्या है वो सड़कों पर घूम रहे। वजह क्या है, रात को सोने का समय है आप यहाँ सड़कों पर हैं? सर लाइट नहीं आ रही है। कितने घंटे लाइट आ रही है? लाइट रात को आती है 10 बजे। सरकार तो दावे कर रही है 22 घंटे लाइट दे रहे हैं, 16 घंटे दे रहे गांव, यहाँ पे नहीं आ रही है। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत क्या, लाइट के बिना तो दिक्कत ही दिक्कत है। रात को घूमना पड़ता है, यहाँ पे खाना नहीं खा सकते है। अच्छा। लाइट नहीं है और जब लाइट नहीं होगी तो पंखे कहाँ चलेंगे, इसी तरह जो टाइम काटते हैं जो है घूम के सड़क पे। सरकार दावे कर रही है? सरकार के दावे से सब झूठे दावे हैं, कोई सच्चा नहीं है। तो घर में कैसे खाना बनता हो, कैसे बच्चे पढ़ते हैं? मोमबत्ती जला के, मोमबत्ती जलाते हैं और खाना बनाते हैं, जब खाते हैं। क्या शेड्यूल रहता है लाइट आने का? यही है, शाम को 5 बजे के बाद जो है लाइट नहीं आती, रात को 10-11 बजे। तो खाना बनाने का भी समय होता है, बच्चों के पढ़ने का भी समय होता है। बिल्कुल, कोई पढ़ नहीं पाते हैं, मोमबत्ती में पढ़ेंगे, अंधेरे में सो जाए, अंधेरे में उठे, यही होगा। इन गांव वालों का दर्द जानने के बाद हम गांव के एक घर में गए। यहां भी अंधेरा पसरा हुआ था, लोग बिजली का इंतजार कर रहे थे। घर के अंदर बल्ब हैं, पंखे हैं, लेकिन बिजली नहीं। परिवार के मुखिया ने घर में बिजली से चलने वाले सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो बिजली का इंतजाम नहीं कर पाए, क्योंकि बिजली देने की जिम्मेदारी तो सरकार की है और यहाँ सरकार ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल नजर आ रही है। ऐसे में गृहिणियों को जहाँ घर के कामकाज निपटाने में परेशानी होती है, वहीं बिजली की आंख मिचौली से बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। आप ये बताएं कि क्यों अंधेरे में बैठे? इसलिए कि बिजली नहीं आ रही है। क्या परेशानी हो रही है? बिजली नहीं आ रही। बिजली कभी आ जाते कभी नहीं आते, कभी बच्चे पढ़ नहीं पाते, कहीं भी ना दे रही है 22 घंटे लाइट। तो सुबह भाग जा फिर 10 बजे आएंगे लाइट। और आपको किचन में किस तरह दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है? लाइट के बिना तो दिक्कत ही दिक्कत है। खाना कैसे बनाते? बस मोमबत्ती वाला जला के खाना बनाते हैं। कितने घंटे लाइट रहती होगी? 12-13 घंटे मुश्किल से। मेरठ जिले में गांवों में बिजली की हकीकत देखने के बाद हमने मेरठ शहर की ओर बढ़े। रात के अंधेरे में शहर घुसते ही हमें रास्ते में मेरठ कॉलेज नजर आया। बिजली का रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम मेरठ के MNM हॉस्टल पहुंचे, लेकिन यहाँ बिजली थी लेकिन वोल्टेज इतना कम कि बिजली का रहना और नहीं रहना एक ही जैसा था। इस हॉस्टल में ज्यादातर दूर दराज के गांवों से मेरठ कॉलेज में पढ़ाई करने आए छात्र रहते हैं। आइए आपको इनके कमरों में लिए चलते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ लो वोल्टेज में छात्र पढ़ रहे हैं। शहर के एक हॉस्टल है मेरठ कॉलेज, वहाँ का जायजा लेंगे और वहाँ के युवाओं से बात करेंगे कि कितने घंटे यहाँ पर लाइट आती है। आइए, आपको ये पूरा हॉस्टल है, आप देख सकते हैं कि लाइट के हालात तो आप कुछ यूं देख सकते हैं कि यहाँ अगर लाइट आ भी रही है तो कितनी तेज यहाँ पर लाइट है। ये तो यहाँ के हालात हैं। और ये है रूम नंबर 37, यहाँ कुछ छात्र बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं, इस हॉस्टल के हालात देखकर लग रहा है कि लाइट से परेशानी होती है, क्या परेशानी दिखती है लाइट से? सर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है लाइट की वजह से। ज़्यादातर एग्जाम टाइम पे लाइट कई कई घंटे चली जाती है और मोमबत्ती जलाकर हमें पढ़ना पड़ता है। इतनी परेशानी में कोई सुविधा जनरेटर कॉलेज की तरफ से तो नहीं है, और हम सरकार से भी देखते हैं कि सरकार 24 घंटे दावा करती है शहर में बिजली होने का, लेकिन हमें लगता है कि लगभग 10-12 घंटे ही बिजली आती होगी हमारे हॉस्टल में। तो सरकार ने कहा था लाइट बिल्कुल आएगी, बट बिल्कुल लाइट नहीं आ पा रही। आप देख सकते हैं कि इस टाइम फैन बंद है, हम पसीने में तर हैं, अपनी बुक पढ़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारा एग्जाम टाइम है, हमें एग्जाम पास करना है तो हमें बुक पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हालात हों। इस हालातों को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हम शायद पता नहीं एग्जाम में किस तरह सफल हो पाएंगे। लाइट की सबसे बड़ी दिक्कत है, अब जब लाइट नहीं आती तो टॉर्च आप देख रहे हैं स्थिति, और पढ़ना पड़ता है और नींद जो भैया ने अभी बताया पूरी नहीं हो पाती, तो इस वजह से हमारा रिजल्ट भी खराब होता है। सोच के कुछ और आए थे और मिला कुछ और। ये वो छात्र हैं जो दूर दूर के गांवों से शहरों की तरफ आते हैं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके।
लेकिन मेरठ शहर के पावर कट इनके सपनों को अंधेरे में ढकेल रही है। एक तो बिजली बहुत कम रहती है और जब रहती भी है तो वोल्टेज बेहद कम। ऐसे में पसीने से तरबतर ये छात्र मोबाइल की रोशनी से पढ़ने को मजबूर है। ना शहर में चैन ना गाँवों में आराम, हर जगह पावर कट लोगों को सता रही है। यूपी में सरकार बदली और जिस अंदाज में सूबे के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सूबे में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के वादे किए थे, उससे तो लोगों को लगा था कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन मेरठ जिले में बिजली के अब तक जो हालात हैं, उससे तो यही लगता है कि अभी लोगों के अच्छे दिनों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। प्रवीण चौहान, APN, मेरठ। तो हमारी यानी APN की टीम जैसे जैसे यूपी के जिलों का दौरा कर रही है, बिजली की हकीकत सामने आती जा रही है। चलिए अब आपको पीलीभीत, अलीगढ़ और संभल जिले में भी CM और PM के वादों का सच दिखाते हैं। पीलीभीत में भी मुख्यमंत्री योगी का दावा कई सवाल खड़े कर रहा है। यकीन नहीं होता तो पीलीभीत से सटे बरखेड़ा गांव चले आइए। यहां बिजली के खंभे तो गड़े हैं, लेकिन इन तारों में बिजली कभी कभी ही आती है। ऐसे में लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लाइट आने के मतलब का लाइट कहीं 2 घंटे दे दी, कहीं 1 घंटे दे दी। हम लोग जहां तक मोबाइल चार्ज करने जाते हैं, कहीं बिलहंडा जा रहे हैं, कहीं जा रहे आएंगे, प्राइमरी जूनियर स्कूल है उसमें कहीं लाइट ही नहीं है। सर, लाइट की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, मुश्किल से 3-4 घंटा मिलती है और शाम के टाइम अक्सर 10-12 बार कटती है। नाइट में लाइट बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही है लाइट की दिक्कत से। हमारे यहाँ लाइट इस तरीका से आउट 4 घंटा आउट और फिर 2 घंटा नहीं आउट, फिर 4 घंटा आउट, इस तरह से लाइट आ रही। लाइट साहब बड़ी मारी आउट है, 2-4 घंटा लाइट आ जाती नहीं, लाइट आती नहीं। और साहब उत्तरायण साइड में हरजन बत्ती है लगाकर पंडित जो लोगों को यहाँ से बत्ती, हमारे यहाँ तक खत्म बत्ती आती नहीं। चलिए अब आपको पीलीभीत मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर बिलगामा गांव का हाल दिखाते हैं। यहां भी CM योगी का दावा फेल होता नजर आ रहा है। गांव वालों के मुताबिक यहां महज 10-12 घंटे के लिए बिजली के दर्शन होते हैं, वहीं खेती बाड़ी भी भगवान भरोसे ही है। एक तरफ सरकार दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे देने का सरकार काम करेगी, ऐसे में सवाल है कि विद्युतीकरण जो है 18 घंटे गाँव में नहीं पहुँचता है, इसके चलते गाँव वालों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त हम खड़े बिलगामा गांव में, काफी लोग इस गांव के मौजूद हैं और बात करेंगे बिजली व्यवस्था के बारे में कि किस प्रकार सरकार जो दावे कर रही है 18 घंटे गांव में बिजली की सप्लाई होगी, लेकिन ये कहां तक सही है, इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए इस वक्त हम गांव के काफी लोग यहां पे हैं और पूछ लेते कि आखिर सही कहां तक है। जैसा कि आपका सरकार दावे कर रही है 18 घंटे गांव में लाइट होगी, आपको लगता है इन दावों में क्या दम है? अरे 12 घंटे देती है बिजली को, 10 घंटे 11 बस 10-11 घंटे बस। कौन सा गांव है? बिलगामा। बिलगामा तो आप देख सकते हैं किस प्रकार है। गांव वालों का कहना है कि केवल लाइट 8-10 घंटे ही आती है। आप एक बार समझ सकते हैं कि ये गांव बिलगामा जो है पीलीभीत से सटा हुआ 1 किलोमीटर इसकी दूरी है, तो जिस प्रकार पीलीभीत से सटे हुए गाँव की हालात है, स्थिति है, तो और गाँव का आप हालात का अनुमान लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? पढ़ते हैं आप? आपके गांव बिजली कितने घंटे आती है? 8 घंटे आती है बस। ऐसे में आपको पढ़ाई करते समय समस्या होती होगी? शाम को लेट उठती होगी। कहाँ से पढ़ाई करते हैं आप? दिब्बी से करते हैं। 18 घंटे आती है आपके गांव में? नहीं आती। क्या घंटे आती है? 8 घंटे। कौन सा गाँव है? शाम होते ही बिजली चली जाती है, ऐसे में इस गाँव के बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। शाम को पढ़ते हैं तो क्या लाइट आती है? नहीं। कहाँ से पढ़ाई करते हैं? डिब्बी से। तो आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ता होगा। कौन सा गांव है? बिलगामा। पीलीभीत की कितनी दूरी यहाँ से? 1.5 किलोमीटर। वहीं अलीगढ़ में भी विद्युत व्यवस्था पहले की समाजवादी सरकार की ढर्रे पर चल रही है। वोल्टेज कमी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। बिजली सप्लाई आने पर भी कम वोल्टेज के कारण नलकूप और अन्य विद्युत उपकरण नहीं चल पाते हैं। विद्युत सप्लाई भी लगातार नहीं आकर किश्तों में आती है। वहीं जर्जर विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मर फूके जाने पर तो कई दिन तक विद्युत सप्लाई बाधित रहती है। बिजली व्यवस्था के खस्ता हाल होने की वजह से शहर से लेकर गांव तक लोग परेशान हैं। जब से ये सरकार आई है, इन्होंने वायदे तो बहुत किए थे बिजली देने के बारे में, लेकिन ये अपने वायदों पे खरी नहीं उतर पा रही है। और पहले जो सरकार बनी थी तब वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं किए गए। बिजली बहुत कम आती है रात के टाइम, पहले नहीं जाती थी, अब ज़्यादा काटी जाती है। 2 महीने से बहुत दिक्कत हो गई है, और जैसी पहली समस्या थी कि ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लग पाते थे टाइम से, उसमें पैसे
पैसे वगैरह जाते थे कि पैसे लाओ इकट्ठे करो, वो पैसे नहीं है इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल्दी आ जाता है, परंतु बिजली की समस्या बहुत है। वहीं अलीगढ़ के विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता की माने तो सब कुछ ठीक है। शहर में 24 घंटे मिले वो मिल रही है, देहात में 18 घंटे मिले तो देने की पूरी तैयारी चल रही है। कभी कभी ओवरलोडिंग पे या बिजली का कभी खराब हो जाए जब रोस्टिंग हो जाती है दर्द, अन्यथा 18 घंटे के देने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उधर संबल जिले के राजपुरा थाने के गांव सिकंदरपुर खागी के लोग पिछले 6 साल से बिजली का इंतजार कर रहे हैं। 6 साल पहले ट्रांसफार्मर खराब क्या हुआ, इनकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। गर्मी और उमस के मौसम में तो यहां के लोगों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं कि पंखा रूठा बैठा है तो लोग हाथ पंखे से खुद को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रात के वक्त लालटेन ही इस गाँव का एकमात्र सहारा है। गांव की दुर्दशा के बारे में जब हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि जल्द ही इस गांव को अंधेरा मुक्त कर दिया जाएगा। जो है वो राजपुरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तहसील गुमनौर है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना में चयनित है, जिसके विद्युतीकरण में वहाँ पर पोल इलेक्शन का और ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जो उस पर केबल डलना है ABC, वो 10 दिन के अंदर डल जाएगा ABC वह लाइट शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन अब तक ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ? पहले किसी योजना में नहीं हुआ, समझे तब दीनदयाल में योजना में आया तो उसमें सारे पूर्ण करा दे। अब इन गांव वालों को इंतजार है कि कब PM और CM अपना वादा निभाएंगे और कब उनका घर 18 घंटे बिजली से रोशन होगा। APN के लिए पीलीभीत से हरपाल सिंह, अलीगढ़ से योगेंद्र और संभल से नितिन की रिपोर्ट। तो इंतजार है कि कब PM और CM अपने वादे निभाएंगे। वहीं गाजीपुर शहर में सरकार के वादे के मुताबिक 22 से 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी, लेकिन गाजीपुर की जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहती है। जब APN की टीम गाजीपुर पहुंची तो यहां की तस्वीरों ने सरकार की पोल खोल दी। बंद पड़े पंखे के नीचे किताबों से जूझते गाजीपुर के ये बच्चे प्रदेश सरकार के 24 घंटे बिजली देने के दावों की जमीनी हकीकत बयां करने के लिए काफी है। ये घर है संजय सिंह का। संजय अपने बच्चों के साथ दोपहर में अपने बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। बिजली की कटौती से इनकी पूरी दिनचर्या ही बिगड़ गई है। बिजली की आंख मिचौली से रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। बिजली की बेहिसाब कटौती से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बिजली विभाग द्वारा सूचना भी नहीं दिया जा रहा है कि बिजली कितने बजे तक आएगी और जाएगी। अगर पहले से सूचना होती तो बच्चे समय से हम वक्त पूरा कर लेते और घर का सारा काम हो जाता और आपकी जीवित प्रभावित न होता। संजय सिंह ने बिजली कटौती से निपटने का इंतजाम किया है, लेकिन बेहिसाब बिजली कटौती की वजह से इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहा और अब ये इन्वर्टर महज शोपीस ही बन गया है। ऐसे में बिन बिजली सब कुछ सूना है। सुबह से बिजली तकरीबन 5-6 घंटे से सुबह कटी थी और अभी भी इस टाइम देखिए बिजली नहीं है। अभी भी शाम से ही आ जा रही है, पूरा कंटिन्यू बिजली है नहीं। इस समय कितनी देर से बिजली कटी हुई है? तकरीबन 1 घंटे भर हो गया बिजली कटे। कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ते ये शख्स पेशे से कॉलेज के अध्यापक हैं। उच्च शिक्षा के अध्यापक होने के नाते छात्रों को पढ़ाने के लिए पहले खुद किताबों से जूझना पड़ता है, लेकिन पावर कट इनके अध्ययन में बाधा पहुंचा रही है। जनपद में औसतन 6 से 8 घंटे कट रही बिजली का ना कोई समय मुकर्रर है ना ही आने का। ऐसे में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। विद्युत के न होने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तमाम जो इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहे, इन्वर्टर के चार्ज नहीं होने की वजह से बच्चों को प्राकृतिक जो रोशनी में पढ़ाने का प्रयास करना पड़ रहा है, जिसका परिणाम भी हो रहा है कि आंखों पे जोर पड़ रहा है और बच्चों को चश्मे तक लगने प्रारंभ हो गए। और इसका यदि आप वो देखना चाहते हैं तो किसी भी नेत्र चिकित्सालय में पहुँच जाइए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो 12-14 साल के बच्चे आपको दिखाई देंगे, इसी बात का अंदाजा लगा सकते। हालांकि गाजीपुर के प्रभारी मंत्री बृजेश पाठक ने दावा किया है कि गाजीपुर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस बाबत राज्य के विद्युत मंत्री से आश्वासन भी मिला। कल माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हमने भेंट करके गाजीपुर जनपद में बिजली सर्वाधिक मिले इसकी सुनिश्चितता कराने के निर्देश दिए गए हैं और उसका पत्र यहाँ पर
गाजीपुर जनपद मुख्यालय पर आ चुका है। अचानक जो यांत्रिक खराबी आने के कारण ये बिजली सप्लाई बाधित हुई थी। आश्वासन और वायदों के बीच गाजीपुर की जनता को कितने घंटे बिजली मयसर होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ राज्य सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान की पहले ही खासी किरकिरी हो चुकी है, ऐसे में पावर फॉर ऑल जैसी योजनाओं को लागू करने की राह में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देवव्रत, APN, गाजीपुर। तो आने वाले दिनों में भी हम आपको हकीकत बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, कई शहरों में, कई कस्बों में, कई गांव में आखिर कितनी जली बत्ती। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।